हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीतास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल तड़का, और इसका टेस्ट बिल्कुल ढाबे के दाल तड़का जैसा होता है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चना दाल तड़का बनाते हैं। आइए देख लेते हैं किन किन सामग्री की आवश्यकता है। 200 ग्राम चने की दाल, ये मैंने 2-3 घंटे भिगो लिया है जो डबल हो गया है फूल के। 4-6 लहसुन के कली कटा हुआ, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, 4 हरी मिर्च, हाफ स्पून अदरक बारीक कटा हुआ, हाफ स्पून चना मसाला। सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई रखें, उसमें भिगोया हुआ चना डाल दें। चने को हमने उबालना है तो यहाँ पे एक गिलास पानी यूज़ कर रही हूँ। पानी इतना ही डालें कि चने में बिल्कुल पानी सूख जाए और चने भी अच्छी तरह से पक जाए। तो इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट पूरा हो चुका है और देखेंगे चना दाल पका है या नहीं। आप बीच बीच में देखते रहें ताकि चना जो है वो जले ना। तो यहाँ पर देखिए चना अच्छे से पक गया है। चना को उबालते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखें। इसे एक बोल में निकाल लें, ठंडा होने दें। दोबारा से एक पैन या कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डालें। ऑयल गर्म हो जाए तो कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ हरी मिर्च, इन सबको डालकर अच्छी तरह से 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का पिंक होने तक भूनें। ये देखिए हल्का पिंक हो गया है। अभी हम यहाँ पे कटा हुआ अदरक डालेंगे। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब कटा हुआ टमाटर मिला दें। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। टमाटर के साथ में अच्छी तरह से भून लें 1 से 1.5 मिनट के लिए, जब तक कि टमाटर गल ना जाए। यहाँ पे देखिए 1 मिनट बाद टमाटर अच्छे से एकदम गल गया है। तो इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, चना मसाला, मिक्स कर दें। अब स्वाद अनुसार नमक या हाफ स्पून नमक मिलाएं, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मसाले जले ना, इसलिए बिल्कुल आधा गिलास से भी कम पानी डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 1 मिनट के लिए मसाले को भून लें। यहाँ पे मसाले अच्छे से भून गया है तो अब इसमें उबला हुआ दाल डालेंगे। दाल को भी मसाले के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दाल के साथ में मसाले को 2 मिनट तक भूनना है। हमने दाल को पहले ही उबाल लिया था, इसलिए पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये दाल बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो इसमें 1 गिलास पानी डालें, अच्छी तरह से मिक्स कर दें। कटा हुआ हरा धनिया डाल दें, ढक देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए 6 मिनट पूरे हो चुके हैं, दाल अच्छे से पक गई है, पानी भी थोड़ा सूख गया है। तो अब हम इसमें दाल को हम इस तरह से दबा लेंगे ताकि जो दाल है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाए। आप चाहे तो दाल को प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हैं, और अगर पानी रह जाए तो कोई बात नहीं, आप बाद में पानी कम डालें, अपने हिसाब से डालें। तो यहाँ पे देखिए दाल तड़का बन करके तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट। आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा कर सकते हैं, वैसे तो दाल तड़का गाढ़ा ही होता है। इसे आप रोटी, पराठे या नान के साथ सर्व करें। आप चाहे तो इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये दाल तड़का बहुत ही पसंद आएगा और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे कहने पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।